यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में इन दिनों नीम के पेड़ के छाल से बनाया गया रस यानी कि कड़ू नीम सालामृत प्राशन शिविर स्थानीय नागरिकों का उम्दा प्रतिसाद मिल रहा है। पेश है दिग्रस से हमारे संवाददाता जुबैर खान की ये रिपोर्ट। दिग्रस शहर के मल्लिकार्जुन मंदिर प्रांगण में एक शिविर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर साल गुड़ी पाड़वा के दूसरे दिन से आगामी चार दिनों तक कड़ू नीम सालामृत प्राशन शिविर का आयोजन किया जाता है। इस साल भी इस शिविर को नागरिकों ने बेहतरीन प्रतिसाद दिया है। मालूम हो कि दिग्रस निवासी किशोर बनगिनवार द्वारा विशेष फार्मूले के तहत निर्मित नीम रस को प्राशन करने सुबह 7 बजे मंदिर परिसर में लोग इकट्ठा होते हैं। मालूम हो कि किशोर बनगिनवार बीते 40 सालों से नीम रस का सेवन कर रहे हैं। प्राकृतिक पद्धति के साथ विशेष रूप से बनाए जाने वाले इस रस का लाभ लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वे निस्वार्थ रूप से बीते 12 सालों से चैत्र मास में गुड़ी पाड़वा के दूसरे दिन से अगले 4 दिनों तक यानी कुल 5 दिवसीय सालामृत प्राशन शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। इस शिविर में रोजाना बड़ी संख्या में न सिर्फ शुगर बीपी चर्मरोग आदि से ग्रसित लोग बल्कि अन्य नागरिक भी यहां आकर इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं। इस शिविर में पहुंचे दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक पांडुरंग फाड़े ने भी इस शिविर के बारे में अपनी राय पेश की है। सालामृत हा दिग्रस अनेक वर्षापासून चालू आहे। ही पण 2-4 दिवसापासून आहे। हा गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर नवीन मराठी वर्षाच्या मुहूर्तावर 5 दिवसाचा पूर्णिम सालामृत असतो। यामुळे आरोग्यास खूप फायदा होतो। शरीरात जे 200 प्रकारची बिमारी आहेत ते नष्ट करण्याची ताकद या पूर्णिम सालामृतमध्ये आहे। त्यामुळे 2-4 दिवसापासून घेत असल्यामुळे मलाही खूप फायदा होत आहे आणि सर्व नागरिकांना फायदा होत आहे। त्यामुळे या कडुनिंब सालामृताचा जो प्राशन करण्याचा आनंद आहे आरोग्यासाठी जो फायदेशीर आहे त्या सर्वांनी लाभ घ्यावा। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नीम के रस को स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद उपयुक्त माना जाता है। खुद आयुर्वेद में भी नीम के पेड़ के पत्ते फूल छाल आदि के औषधि गुणों के अनेकों स्वास्थ्य वर्धक फायदे बताए गए हैं। यही वजह है कि किशोर बनगिनवार द्वारा बनाए गए इस सालामृत से दिग्रस शहर और परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।